आज ही डाउनलोड करें। पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री, और और का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। बॉटल ऑफ लोकल ग्रोसरी शॉप द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द बॉटल वॉज नॉट क्लियर सी फेल ऑन कंज्यूमिंग इट फाइल्ड केस इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड गो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नेगलेक्ट बाई द मार्केटर इन द एब केस और बी पार्ट था एक्सप्लेन ब्रीफली द फंक्शन ऑफ द एस्पेक्ट आइडेंटिफाई इन एब सो वाजपी ने क्या किया है वाजपी ने एक पिकल की बोटल को लोकल ग्रोसरी शॉप से परचेज किया है और उसमें क्या था उस बोटल में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी वो क्लियर नहीं थी सो so, उसके कारण क्या हो जाता है उसके कारण वो बीमार पड़ जाती है और वो क्या कर देती है डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस फाइल कर देती है जिससे क्या होता है जिससे उसको रिलीफ दिया जाता है सो so, यहाँ पे हमें बताना है कि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो मार्केटर द्वारा यहां पे नेग्लेक्ट किया गया है उसको क्या करना है हमें यहां पे आइडेंटिफाई करना है और फिर बी पार्ट में उसको क्या करना है हमें एक्सप्लेन करना है सो so, सबसे पहले देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है सो द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नेग्लेक्टेड इन दबकेश इज लेबलिंग सो अब केस में जो इंपॉर्टेंट एक्स्पेक्ट यहां पर नेग्लेक्ट किया गया है उसको हम बोलते हैं लेवलिंग अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस सो इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर सो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है सो so, पहला है Describe the product and specifies its contents. तो यहां पे पहला फंक्शन है लेबलिंग का कि ये क्या करता है ये प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है और उसके उसमें जो कंटेंट्स अवेलेबल है उसको क्या करता है स्पेसिफाई करता है ये so, ये क्या हो गया लेबलिंग का यहां पे पहला फंक्शन हो गया नाउ सेकेंड फंक्शन सो लेबलिंग का सेकेंड फंक्शन क्या है सेकेंड फंक्शन यहां पे प्रोडक्ट और ब्रांड आइडेंटिफिकेशन सो यहां पे दूसरा फंक्शन क्या है दूसरा फंक्शन है प्रोडक्ट एंड ब्रांड आइडेंटिफिकेशन सो द लेबल आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट और द ब्रांड सो so, लेबल क्या करता है लेबल यहां पे आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट को और उसके ब्रांड को नाउ तीसरा फंक्शन सो so, तीसरा फंक्शन है इसका ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स द लेबल माइट ऑल्सो ग्रेड द प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट कैटेगरीज वे आर द डिफ्रेंशियन ट्रे टेंट टू बी मार्जिनल सो यह क्या करता है ये प्रोडक्ट को ग्रेड भी करता है डिफरेंट कैटेगरीज में और इससे क्या होता है इससे जो डिफ्रेंशियल डिफ्रेंशियशन होता है वो क्या होता है वो मार्जिनल की तरफ वहां पे टेंड कर जाता है सो so, यहाँ पे जो तीसरा फंक्शन है वो क्या करता है वो ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट करता है जिससे क्या हो सकता है जिससे हम प्रोडक्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं ग्रेड कर सकते हैं नाउ फोर्थ फंक्शन सो फोर्थ फंक्शन है प्रोवाइडिंग Information required by the law. So it is a carrier of information which is to be provided to the customer. लेबल डिस्क्राइब द प्रोडक्ट द मैन्युफैक्चरर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, इट्स कंटेंट डायरेक्शन फॉर यूज ये क्या करती है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो रिक्वायर्ड होती है लॉ के लिए वो क्या कौन कौन सी है सो so, जो लेबल होता है वो डिस्क्राइब क्या करता है यहाँ पर प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है मैन्युफेक्चरर के बारे में बताता है कब मैन्युफेक्चर किया गया है उसके बारे में बताता है और कैसे इसको यूज करना है प्राइस क्या है ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो यहां पे प्रोवाइड की जाती है जो क्या होता है जो रिक्वायर्ड होता है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ फिफ्थ पॉइंट सो फिफ्थ फंक्शन है यहां पे प्रोडक्ट प्रमोशन सो लेबलिंग का फिफ्थ फंक्शन क्या है फिफ्थ फंक्शन है प्रोडक्ट प्रमोशन केयरफुली डिजाइंड लेवल कैन फैसिलिटेट प्रोडक्ट प्रमोशन इट अट्रैक्ट अटेंशन डिस्क्राइब द प्रोडक्ट गिव द रीजन टू परचेज इसमें क्या है जो प्रोडक्ट प्रमोशन होता है तो अगर हम इसको केयरफुली डिजाइन करें लेवल को तो इससे क्या होता है इससे प्रोडक्ट प्रमोशन भी किया जा सकता है और ये क्या करेंगे ये यहाँ पे कस्टमर्स को क्या करेंगे कस्टमर्स का अटेंशन यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेंगे और यहाँ पे रीजन देंगे कि उसको क्या किया जाए प्रोडक्ट को परचेज किया जाए so, ये क्या है ये हो गया फिफ्थ फंक्शन लेबलिंग का सो so, यहाँ पे हमने देख लिया कि जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया था उसको हम बोलते हैं लेबलिंग और फिर हमने लेबलिंग के फंक्शंस को भी यहाँ पे देख लिया है सो दीज आर द आंसर्स ऑफ द गिवेन क्वेश्चन क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर